कांग्रेस टाइम में हमारे हर गांव में से कोई दिन बचता था जिस दिन ट्रैक्टर चोरी ना हो, भैंस चोरी ना हो। कांग्रेस टाइम में हमारी डीएसपी धनपति कौशली होती थी, उनकी गाड़ी के सरियाम गोली मार के चले गए थे सिर्फ 3 भैंस चोर। और आज 300 आ जाओ ना, कोई यहां से 1 किलो भी उठा के ले जाओ ना, क्यों? वो तो उनकी मिली भगत थी कांग्रेस से भाई। मुआवजा कांग्रेस की सरकार में 2 रुपया आयो चाहे, ठीक है 2 रुपया चेक आयो, वो 7 जगह बैठगो तो वह क्या करे फिर, ठीक है। मोदी सरकार ने 2015 में हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई तो 10,000 रुपए सरसों के पर एकड़ और 12,000 रुपए गेहूं की, ये हमारे बीजेपी सरकार ने दिए हुए हैं, ठीक है। और 100% पूरे गांव को, पूरा गांव का मुआवजा 100%, ठीक है। लगभग 15 से 20 गांव के आसपास, मतलब कि 100% तो हमारे गांव का था, पूरे 100% का 100% था। कांग्रेस सरकार में हुआ लेकिन अभी कोई भेदभाव नहीं, गरीब के बच्चे के लिए भी वही बात है, अमीर के लिए भी वही बात है, कोई किसी का भेदभाव नहीं। पहले कांग्रेस टाइम में खूब भेदभाव हुआ, ठीक है, ये हमारे इस बेटी पे ही है। हाँ भाई कहाँ का है बोला सांगी का, क्या हमारे बच्चों ने यहाँ मोटर चलानी नहीं आती थी तो वहां से लाके बिठा दिए हम सारे सांगी वाले भाई सब, वो पूरे वही थी। किस नाम का भेदभाव था ये? भेदभाव जाति के नाम का हो गया, जाति के नाम का। हीरवाल यहाँ बच्चा रोजगार ना ले ले, जाति के नाम पे हुआ भाई। अब खर्ची पर्ची नहीं चलती? नहीं जी बिल्कुल, खर्ची पर्ची का कोई रोल कॉल नहीं है हमारे गांव में ही। मतलब काफी जिस बच्चे में टैलेंट था वो बढ़िया नौकरी बढ़िया पोस्टों पे भी लगे हैं, डी ग्रुप में भी लगे हैं और बढ़िया पोस्टों पे भी लगे हैं, सीजीएल से भी लगे हैं। मतलब बेचारे ने कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, अब खर्ची पर्ची का कोई लेना देना नहीं। पहले क्या होता था, मतलब कैसे नौकरी लगती भाई? पहले तो बस बुझाए मरना भाई, ए पोस्ट खातर रुपया 20 लाख चाहिए, ए पोस्ट खातर रुपया 10 लाख चाहिए, तो भाई 10 लाख मारा जमींदार हो ना यार, बालक नौकरी लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं पहराजवास गांव के अंदर जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गांव है, और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन बिल्कुल ही मुहाने पर खड़े हैं, जिनकी की आहट आनी शुरू हो चुकी है। तो गांव के अंदर इन कार्यकाल के अंदर अगर बीजेपी की बात करें, पिछले 10 साल की बात करें, तो क्या कामकाज हो पाए कि नहीं हो पाए, इसी विषय को लेकर के लोगों के बीच में है। चलिए यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं तो इनसे भी हम जान लेते हैं करके। बाबू जी क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी आप ये बताएं, क्या इस दौरान के अंदर जो 10 साल बीते हैं भाजपा के, क्या कोई काम हो पाया? हाँ जी खूब काम हुए हैं जी। क्या क्या काम हो पाया आप लोगों ने? रोडों के काम हुए हैं, बच्चे खूब लगे हैं हमारे 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 गांव से 25 बच्चे लगे हैं बगैर खर्ची और बगैर पर्ची। किसी धोले कुर्ते वाले के पास कोई नहीं गया और ना ही किसी की जुत्ती उठाई जी। जो पहले की पूर्व सरकारों में उठाई करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल करना पड़ता था जी, बगैर धोले कुर्ते वाले बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता था। और अब क्या मतलब, वो तो ये कहते कि जो आपके विपक्षी हैं या कह लें कि जो पार्टी कांग्रेस है वो ये कहती है कि हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है बीजेपी ने और सिर्फ महंगाई बढ़ाई, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे गांव में से तो पहले जो उस टाइम जो लगे थे उससे 3 गुना बच्चे ज्यादा लगे हैं बीजेपी काल में। बीजेपी काल में 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा लगे हैं उससे, और सब गरीब के SC के एक ही परिवार से 2 बच्चे लगे हैं, जो कि माँ बाप आज भी मजदूरी कर रहे हैं उनके, एक भर्ती में 2 बच्चे लगे हैं। तो क्या पैसे वैसे देने नहीं पड़े? कोई चवन उनके पास कहाँ पैसे, वो मजदूरी करके अपना गुजारा पाल रहे हैं, वो कहाँ से पैसे देगा वो आदमी। तो जो आपके विधायक साहब हैं वो गांव में आते जाते भी? हाँ गांव में आते जाते हैं, गांव की समस्या सुनते हैं, गांव में कोई भी पानी की समस्या या बिजली की समस्या कोई हो तो तुरंत एक्शन होता है और टाइम पे जो उनसे हो सकता है वो हर काम संभव वो सब करते हैं जी। बिल्कुल, तो लेकिन जो पहले की सरकारें रही हैं तो क्या इस एरिया की बात करें तो क्या इस एरिया के साथ सच में भेदभाव होता? हाँ बिल्कुल भेदभाव होता था, सबसे पहला भेदभाव तो हमारे परिसीमा में हुआ है, रोहतक के साथ तो हमारा कोई भी मेल नहीं खाता, जो हमारा कल्चर है वो भी अलग है। हमारा कल्चर अहिरवाल का भिवानी महेंद्रगढ़ या गुड़गांव से मिलता है ना कि रोहतक से, उसमें हमारी रिश्तेदारियां भी जो हैं वो इधर साइड में ही हैं, उधर में कोई वो नहीं है। और पहले जो भी काम होते थे हमारे यहाँ पर एक छोटे पानी की सप्लाई की डिग्गी है वहां पे सांगी के आदमी थे,
ये ऑन रिकॉर्ड चेक किया जाए कि पहले वहां सांगी के आदमी थे और तीन तीन चार चार दिन में एक बार पानी छूटता था, अब हर रोज पानी आता है, जो कि हमारे गांव में खारा पानी, हमारे इलाके में नहरी पानी पे हमारा गांव वो है। पहले हमारे यहाँ पे महीने के अंदर सिर्फ 7 दिन नहर आती थी और अब 16 दिन नहर आती है जी। क्यों? हमारा क्षेत्र में पीना पानी नहरे के ऊपर ही डिपेंड है जी। ये सारी उपलब्धियां बीजेपी की वजह से है। और रोड देखो आप, हर रोड का गांव को गांव कनेक्टिविटी, मेरे मेरे गांव के अंदर 2 रोड निकाले हैं जी। नहीं जी बिल्कुल, लेकिन जो पहले के 10 साले हैं उनके अंदर क्या कोई काम नहीं हो पाया आपके गांव में? नहीं, काम हुआ है लेकिन उनके बतौर बीजेपी में उनसे तो तिगुने चौगुने काम हुए हैं। भेदभाव बिल्कुल था जी। वहां तक जाति विशेष की सुनी जाती थी, यहाँ हर किसी की सुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जो चीजें बता रहे हैं साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी आप बताएं, क्या आपने भी जो भेदभाव वो देखा या फिर सरकारों में जो फर्क है वो देखा? भाई हमने जब तो संभाले उसे, मतलब कि 10 साल तक छोड़ के पहली कांग्रेस को, तकरीबन कांग्रेस को राज रहे ऊपर भी नीचे भी, हरियाणा में भी केंद्र में भी, तो हम तो ज्यादा तो ना अबेरो, पर हरियाणा में तो डी ग्रुप का तो दक्षिणी हरियाणा को तो नाम ही नहीं पता था। कोई डी ग्रुप की भर्तियां भी निकलती है जी। भाई कितको सा सांगी को लाग रो उस भाई, ठीक है तू मजदूर आदमी से भाई 2000 रुपया ले, मैंने अपने घर न जाऊ, तू रोटी कर तो रही। ऐसा हालात था, तो डी ग्रुप का तो यहाँ दक्षिणी हरियाणा में कोई नाम निशान ही नहीं था जी। किसी प्रकार दूसरी हुड्डा साहब ने भाई ठाए के हम रोते हूँ पटक दिया, जो कि मारो लेनो देनो ही कहीं चीज थे, या तो हमने गुड़गांव में होनो तो या हमने महेंद्रगढ़ में होनो तो, हिरवाल क्षेत्र तो मारो यही से, ठीक है। वन की लोग विधानसभा की 5 सीट से तो मारी 2 सीट से, ब्लॉक जाटसाना था वो तोड़ के कोसली एक कर दियो, इतना बड़ो क्षेत्र बना दियो, मतलब एमएलए एमपी घूमता ही घूमता रहो एक मच, चक्कर काट काट बावड़ हो ले, आधा बर्द बेचारा पहुंचे ना आवे ना जाए ना के हो सके ना हो, ठीक है। तो ऐसा करो जाए, अब 2026 में जो परिश्रम होगा, या तो इस कोसली विधानसभा में से एक विधानसभा और बनाई जाए, ठीक है। और हमने लोकसभा में बजाय रोहतक की, या तो गुड़गांव में या भाई महेंद्रगढ़ में जी। इसमें हमारा वो करा जाए जी। ठीक है। और रही बात भाई नौकरी की, दक्षिणी हरियाणा के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जी। ठीक है। अब खर्ची पर्ची नहीं चलती? नहीं जी बिल्कुल, खर्ची पर्ची का कोई रोल कॉल नहीं है हमारे गांव में ही, मतलब काफी जिस बच्चे में टैलेंट था वो बढ़िया नौकरी बढ़िया पोस्टों पे भी लगे हैं, डी ग्रुप में भी लगे हैं और बढ़िया पोस्टों पे भी लगे, सीजीएल से भी लगे हैं, मतलब बेचारे ने कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, अब खर्ची पर्ची का कोई लेना देना नहीं। पहले क्या होता था, मतलब कैसे नौकरी लगती थी? भाई पहले तो बस बुझाए मरना भाई, ए पोस्ट खातर रुपया 20 लाख चाहिए, ए पोस्ट खातर रुपया 10 लाख चाहिए, तो भाई 10 लाख मारा जमींदार में हो ना यार, बालक नौकरी लग गया ना। तो अब मतलब दक्षिणी हरियाणा के लिए तौर पर भेदभाव पूरा था? पूरा था, बिल्कुल पूरा पूरा था। अब बिल्कुल बढ़िया काम है भाई, कहीं का बालक में टैलेंट से तो अपने नौकरी लगो ना, इसे तो पूरे से आई जी। ठीक है। और छोटी तो छोटी नौकरी डी ग्रुप की तो संभव से मानो हो नहीं तो भाई, टाइम पे एमएसपी भी टाइम पे दे रही से गवर्नमेंट, जो हमारी जो एरिया की फसलें है उनमें तो सुना है कि हर फसल पे एमएसपी करती है। हाँ आप 24 की 24 फसलों पर एमएसपी से खरीदी जाएगी, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है सैनी भी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एमएलए ने भी खूब बढ़िया काम किया है और बढ़िया आदमी है, ईमानदार छवि का आदमी है, सरकार ही पूरी ईमानदार है। हाँ बिल्कुल, खट्टर भी बहुत बढ़िया आदमी था, ये नहीं भाई बेचारा सेंटर में गयो, बेहतर खट्टर ठीक आदमी था, अच्छा आदमी था, डकैत का बीज तो बढ़िया था, ये तो पक्का डकैत सब, आप अपना आप अपनी राजनीति खेलनी है और तो क्या कवा होगा। अच्छा एक मुद्दा और चल रहा है 2 दिन से, जो विनेश फोगाट है वो 100 ग्राम से वहां से डिस्क्वालिफाई हो गई और उसका पूरा का पूरा जो दोषारोपण है वो मोदी जी के ऊपर। नहीं ये गलत बात है, मोदी के ऊपर क्या दोष रोपण है बताओ, ये बात जितने ऊपर कुछ हुआ होगा भाई, कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसमें मोदी का क्या कसूर है ये बताओ, मोदी थोड़ी कहने गया था किसी को भाई इसके साथ ये करो, अपने देश की छवि कौन खराब करने चाहेगा भाई, एक गोल्ड मेडल आता तो हमारे देश का नाम तो ऊंचा होना था ना, मोदी ये थोड़ी कहेगा
बताओ आप, मोदी ने तो कल भी मतलब जो इंडिया की हॉकी टीम है उससे भी बात करी है, अगर भाई चलो मिला तो सरी चीज ब्रॉन्ज मिला थी, कोई सा मेडल तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो ऐसा तो प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से कोई ही होगा भाई जो अपने देश की छवि खराब करेगा, और वो भी एक गोल्ड मेडल के लिए, वो तो गोल्ड मेडल के चांस पूरे थे उसके, तो वो अपना देश का नाम खराब क्यों करेगा। ये गलत बातें हैं, मोदी का कोई रोल कॉल नहीं है भाई उसका, उस वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भाई वजन कम क्यों नहीं हुआ, बद क्यों गया, तो इसके बारे में तो देखो वहां पे ही पता पड़ेगा, मानते हो ना, इसमें मोदी का कोई रोल कॉल नहीं। लेकिन पिछले 3 दिन पहले ही लगभग जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो यहाँ भी कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए हैं कि भारत के अंदर भी मोदी के साथ ऐसा ही होने वाला है, और जो पीएम हाउस है उसमें लोग घुस जाएंगे और मोदी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। भाई सब बांग्लादेश थोड़ी से, सब बांग्लादेश थोड़ी से, उरत मोदी भी सर गाल हिंदू राष्ट्र भी से, नू ऐसे कैसे पीएम हाउस में घुस जाएगा भाई, फिर तो ये ही रहेगा पीएम हाउस में घुसेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोदी मोदी ही है, ठीक है। ये तो अब पूरे हिंदुस्तान का मतलब वर्ल्ड में सिक्का चलता है, बांग्लादेश तो क्या एक छोटा सा देश है, घेर लियो चौकर दूड़ा बेचारा ने, तो ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, और लोग मौजूद हैं, मैं सब क्या नाम सरजीत, सरजीत जी आप बताएं क्या सच में आपके जो विधायक उन्होंने काम करवाए? हाँ बहुत काम हुआ है जी, बहुत काम हुआ है, सड़क भी बनी है और बच्चों के खेल के पैसे भी आए हैं, बहुत काम हुआ है। मिलने जुलने आते हैं कभी? हाँ आते हैं जी। और जो अब की जो सरकार है टोटल 10 साल की अगर देखें, पिछले 10 साल की देखें, तो इन दोनों सरकारों में कोई फर्क लगा? बहुत ज्यादा फर्क है, पहले कांग्रेस के टाइम में कम काम होता था, चौटाला के टाइम में कम होता था, अब बीजेपी के टाइम में ज्यादा काम हुआ है, दक्षिणी हरियाणा के साथ हिरवाल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, नौकरी मिल पा रही क्या हिरवाल? हाँ नौकरी मिल रही है, नौकरी खूब मिल रही है, हमारे गाँव में काफी बच्चे लगे हैं। मतलब किस किस टाइप के बच्चे लगे अगर आप बताना चाहेंगे, अमीरों के बच्चे लग रहे हैं, गरीबों के लग रहे हैं, कैसे बच्चे लग रहे हैं? अमीर का टैलेंट अमीर के में है तो वो भी लग रहा है, गरीब का है तो गरीब का भी लगे, गरीब के बहुत लगे हैं हमारे गांव दोनों। लेकिन जो ये लोग हैं जो कांग्रेस के हैं वो तो सीधे तौर पे ये कहते हैं हो सकता है छोटी नौकरी में पैसे नहीं चल रहे होंगे, बड़ी नौकरी में तो पैसे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी नौकरी में पैसे कैसे चलेंगे, जब बड़ी में चलेगा तो छोटी में लेंगे वो पैसे, फिर कोई पैसे पूछे, हमारे गाँव में कोई पैसे नहीं दिए किसी ने, किसी ने कोई पैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाऊजी क्या नाम है? गोप सिंह। आप ये बताएं भाऊजी, आपने तो इलेक्शन भी खूब देखे, राज भी सबका देख लिया, तो मैं वही 10 सालों के अंदर क्या जो भाजपा सरकार रही है वो पहले की जो कांग्रेस सरकार थी उससे बेहतर रही है कमतर रही? बेहतर, बहुत अच्छा काम किया जी, ठीक है, मोदी सरकार ने जो काम किया खटर किया वो बहुत ही सराहनीय काम है जी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है रोजगार की होती है, तो क्या आप लोगों के इस इलाके के बच्चे लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे? बहुत बच्चे लगे साहब बगैर खर्ची उसके सिफारिश के, ऐसे ऐसे बच्चे लगे जिनको एक टाइम का खाना दुर्लभ नहीं था, वो एक परिवार के जिनके बच्चे लगे हैं और अच्छी पोस्ट पे लगे हैं दोनों, कोई खर्चा नहीं। पहले क्या करना पड़ता, खर्चा देना पड़ता? पहले या तो MLA MP की सिफारिश चाहिए, 7 पैसा चाहिए, अब इसमें ना किसी सिफारिश है ना किसी ने पैसा का लेन देन है, तो बढ़िया काम हो रहा है बिल्कुल दक्षिणी हरियाणा के लिए। तो इलाके के साथ भेदभाव होता रहे क्या? कांग्रेस सरकार में हुआ लेकिन अभी कोई भेदभाव नहीं, गरीब के बच्चे के लिए भी वही बात है, अमीर के लिए भी वही बात है, कोई किसी का भेदभाव नहीं। पहले कांग्रेस टाइम में खूब भेदभाव हुआ, ठीक है, ये हमारे इस बिल्डिंग पे ही है। हाँ भाई कहाँ का है? बोला सांगी का। क्या हमारे बच्चों ने यहाँ मोटर चलानी नहीं आती थी? तो वहां से लाके बिठा दिए हम सारे सारे संगी वाले भाई सब, वो पूरे वही थी। किस नाम का भेदभाव था ये? भेदभाव जाति के नाम का हो गया। जाति के नाम का हिरवाल यहाँ बच्चा रोजगार ना ले ले, जाति के नाम पे हुआ भाई, ये बात है। बिल्कुल चलिए और लोग उनसे जान लेते। बाबूजी क्या नाम? मुनीलाल है जी। मुनीलाल जी आप बताएं आपने क्या देखा, जो बाबूजी कह रहे वो सही बात है क्या? किसान जला के आपके गाँव? हाँ बिल्कुल सच बात है जी, बिल्कुल सच बात है, सब सांगी के आदमी यहाँ है, और यहाँ तक भी हुआ सांगी वाले तो महीना में
एक बार या दो बार राउंड मारते थे और हमारे जैसा कोई बच्चा गरीब का पकड़ लिया उसको 2000 रुपये देते, यार तू ये काम करता रहना मेरे को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तेरे को 2000 रुपये दे दूंगा। तो वो मजबूर गरीब आदमी बोला ठीक है यार मेरा खेत भी यहाँ नजदीक है, हैं मैं तेरा ये काम भी कर दूंगा और अपना खेत का भी काम कर दूंगा। ये काम होते थे। तो आपके जो विधायक है फिलहाल लक्ष्मण जी, हाँ जी, उन्होंने कुछ काम करवाए कि नहीं? बहुत काम करवाए जी, बहुत काम करवाए। और जब भी कोई समस्या आती है और याद करते हैं तो वो हमारी सुनाई भी करते हैं। सड़कें भी खूब निकलवाई है, पानी की अवस्था भी करवाई है। आप फिलहाल बता रहे हैं कि गंदे नाले के पैसे भी आ रहे हैं, वो हो जाएगा काम। गांव में काफी पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मण सिंह ने बहुत दिए, बच्चों के खेल के भी दे रखे हैं, उसमें उनका सामान भी आ गया है, तो अच्छा काम हो। अच्छा, कांग्रेस सरकार में भेदभाव था क्या इलाके? पूरा पूरा भेदभाव था जी, पूरा। हमारे यहाँ क्या क्या देखा? हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं होता था कांग्रेस सरकार में, हमारा कोई काम नहीं होता था इधर। क्यों नहीं हो पाता था? अब वो हमसे ये भेदभाव करते थे, हेजवाल के अंदर उनका राज था, वो अपने जाटों के बच्चों को यहाँ भेजते थे, उनको नौकरी देते थे। और इससे फालतू हमारा नहीं है कोई, उससे पहले ये फसल का कोई नहीं मिलता था कुछ भी। अच्छा, मुआवजा पहले नहीं मिलता था? कभी भी नहीं मिला कुछ भी, कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी आऊंगा आपके पास, तो अब मुआवजा मिल पा रहेगा? अब हर फसल में मुआवजा, जब नुकसान होता है तो मुआवजा मिलता है हमको। और अब सूखा पड़ा बाजार का तो अब बता रहे हैं, हमको तो इतना पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं भाई इस मुआवजे के पैसे आपके आ रहे हैं, खाते में डाले जाएंगे लोगों के सबके, तो इससे बढ़िया और सरकार क्या होगी। इन 10 सालों में क्या नौकरियां मिल पाई आपको? नौकरियां बहुत बच्चों को मिली, और गरीब के बच्चों को अक्सर में नौकरियां मिली, और जो बच्चा काबिल था उनको अमीर वालों को भी मिली, नहीं कोई खर्चा, नहीं कोई उसके बगैर सिफारिश के। बिल्कुल। तो फिर मतलब जो बीजेपी है, अभी सांसद साहब यहाँ से अरविंद शर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी जो 75,000 की लीड थी वो एकदम से गायब होगी, क्या बात होगी? तो ये सिर्फ काम के ऊपर ही था ना जी, काम पे था वो लीड, उन्होंने कोसड़ी हल्के से वो कर दिया, झूठा आश्वासन दे दिया, वो आ जाती खटाखट खटाखट खटाखट। अब वो जी नानिया बताते हैं कि वहाँ गई थी, बोलो वो कहाँ गए वो खटाखट खटाखट वाले पैसे, वो भी नहीं मिले, बोले अब तो वो बात हो जाती है। यहाँ पे कट जाते हैं, अब हम ये देंगे वो देंगे, और बढ़ने के बाद में कोई लेना नहीं देना नहीं। संविधान का भी शायद बोला गया था कि संविधान खत्म कर देंगे, कह रहा है ना, तो कुछ ऐसा नहीं वो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और लोग मौजूद हैं। बाबूजी क्या नाम? शमशेर। शमशेर जी आप बताओ, सच में बताना, क्या सच में आप लोगों के साथ भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव हुआ था कांग्रेस के टाइम में जी। जटात के लोग तो यही मंत्री उधर का ही बनता, तो वो सोचते थे इधर के ही होने चाहिए कोई भी, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं था। हीरो को बोला छोड़ो इनको, क्योंकि कमार तोड़ की रहती थी, तो अपने यहाँ तो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा है कुछ भी है वो भारी है, और उनके चाहे 7 है 8 क्लास है 10 है चाहे ABCD भी नहीं है, तो उनको नौकरी मिलती थी जी। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी जिसके अंदर हिम्मत है वो जाओ पढ़ा लिखा है तो गरीब बच्चा भी लगता है, गरीब बच्चे भी लगता है, हाँ गरीब पढ़ा लिखा है लगे हैं गाँव में, नौकरियां मिली है उनको, उनको उनको तो सच पूछो तो गांव का सरपंच भी नहीं जानता, लेकिन वो नौकरी लगे उनको, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे थे उनके अंदर काबिलियत थी, टैलेंट था, कामयाब हो गए वो, क्योंकि उन्होंने कहीं किसी से पैसा देना नहीं लेना नहीं। बीजेपी में तो बिल्कुल क्लियर होता है, अगर भाई जो पढ़ा लिखा है जाएगा, अनपढ़ को तो कोई नहीं देगा नौकरी, तो हिम्मत होनी चाहिए ना। किसानों के लिए भी कुछ किया है? किसानों के लिए भी बहुत कुछ कर दिया, पहले 6,000 थे भी 12,000 कर, हाँ और हाँ सब्सिडी कितनी दे रही है, ये बिजली कनेक्शन इसमें दे रही है, जो ये सोलर पंप लग रहा है, ये बॉर्डर पे जाके किसान जो बैठे थे क्या थे, क्या सिस्टम थे? ये तो सब दूसरे के भड़काए हुए है ना जी, ये तो बाहर से फंडिंग होती है वहाँ, एक्चुअली ओरिजिनल किसान कोई नहीं बैठा है वहाँ, वहाँ सब भाड़े के टट्टू बैठे हैं, जिनको पैसा मिल जाता है तुम यहाँ बैठे रहो और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहो, हमको ये दो वो दो, ताकि बीजेपी खराब हो जाए। ये विधायक जी की इतनी ईमानदार साफ छवि के आदमी हैं, जितनी बार भी संसद का सत्र चला है हर सत्र में इलाके की आवाज उठाइए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी कभी भी निकाल के देख सकता है। और कोई भी आदमी ये कह दे कि इस आदमी ने किसी से भी कोई भेदभाव किया हो या किसी से 1 रुपया मांगा हो,
तो आके सामने बताए। बिल्कुल, एक बात हो रहा जी, जैसे अभी ये मंदिर का मुद्दा था, इस पे देखो कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ ही मतलब इनका वो रहा है ना, मतलब भाई मंदिर बनाया तो उसमें जाना चाहिए, ये बोला हम नहीं जाएंगे, मतलब हिंदू विरोधी है ये तो, है नहीं, हिंदू विरोधी है तो, और बीजेपी तो है ही अपने हिंदुओं के पक्ष में रहेगी, और ये हिंदू होते हुए हिंदू विरोधी है। बिल्कुल, क्या कह रहे थे, बांग्लादेश में क्या बुरा हाल हो रहा है हिंदुओं का, अभी कोई भी पक्ष का एक लीडर बोले अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये तो जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पे भारत में भी ऐसा होने वाला है, कभी भी नहीं, जब तक मोदी है जब तक तो सपने में भी नहीं, ये इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, जो ये चाह रहे हैं ना ये टुकड़ा गैंग, इनका कभी भी सपना पूरा नहीं होगा, मोदी जी तब तक है, और 29 में भी मोदी जी आएंगे जी। और यहाँ भी हरियाणा में भी बीजेपी की बहुमत से सरकार बनेगी। बिल्कुल सही, आपके अपने विचार अच्छे हैं, आप क्या कह रहे थे मुआवजे के बारे में, अगर मुआवजे की बात करें तो किस सरकार में मिलता है, पिछली सरकार मिलता था भाई मुआवजा, कांग्रेस की सरकार में 2 रुपया आयो चेक, ठीक है 2 रुपया चेक आयो, वो 7 जगह बैठगो तो वह क्या करे फिर, ठीक है। मोदी सरकार ने 2015 में हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई तो 10,000 रुपए सरसों के पर एकड़ और 12,000 रुपए गेहूं के, ये हमारे बीजेपी सरकार ने दिए हुए हैं, ठीक है, और 100% पूरे गांव को, पूरा गांव का मुआवजा 100%, ठीक है, लगभग 15 से 20 गांव के आसपास, मतलब कि 100% तो हमारे गांव का था, पूरे 100% का 100% था, ठीक है। दूसरी, हमारे एमएलए ने विधानसभा में हर बार आयुर्वेदमेंट का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे इलाके की ये पूरी पूरी मांग है, तो हम बीजेपी से भी सरकार से ये निवेदन करेंगे भाई आयुर्वेदमेंट हमारी बनाई जाए, ठीक है, और यही मोदी जी से मांग थी। मोदी जी ने 2014 में जब पीएम बने तो 1 रैंक 1 पेंशन दी, ये जो हमारी इरवाल की जो है ये शहीदों की पूरी वो है, ठीक है, आर्मी के लिए, तो हमारे देश के लिए हमारे यहाँ के जितने भी जवान हुए शहीदों की खान है, खान है ये। और आप कह रहे हो भाई 75,000 कैसे के लिए टूट गई, ये कुछ भी हो ये थोड़ी अरविंद शर्मा की मिस्टेक की वजह से टूटी, उन्होंने यहाँ मतलब बहुत कम ध्यान दिया, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो हो सके 75,000 की जगह 1,00,000 भी हो जाती, ठीक है। वन भी नहीं सोचती भाई वैसे तू भी पढ़ लियो, तू भी चाले गोड़ ने, तो पब्लिक है भाई, पब्लिक को कुछ ना बेरो बट, ठीक है। हालांकि पंडित जी बहुत बढ़िया आदमी है बेचारे, हम ईमानदार आदमी है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गई, कि मेरे लोग भाई खटाखट 85-100 रुपया खटाखट होगा, ये खटाखट का चक्कर में रहेगा लोग, तो यह दिक्कत आई भाई। बाबू जी क्या कह रहे थे, आसपास के 15 गांवों को मिले, 15 गांवों को जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी निकलवा के देख लो 2015 में हमारे इस पूरे इलाके में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, और यहाँ पे पूरा जितने भी गांव हैं 100% मुआवजा। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात, उससे पहले 2-2 रुपए के चेक हमारे गांव में आए हुए हैं, कांग्रेस सरकार में 2-2 रुपए के चेक, लेकिन वो तो आज के दिन कहते किसानों से बड़ा हमारा, हमसे बड़ा हिमायती किसानों कोई है ही नहीं, ये तो झूठ बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है जी, उस पे आप बताओ क्या करोगे, अभी तो ये भी कह रहे थे कि आरक्षण खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठा नेगेटिव फैलाने का काम है कांग्रेस का, 70 साल में उन्होंने क्या किया वो बताओ ना खड़े होके देश को, अभी हमने क्या किया और 10 साल में क्या किया, जब ग्रोथ कितनी थी देश की, आज कितनी है ग्रोथ, उस दिन कितने रफेल थे या कोई भी लड़ाकू विमान थे, आज कितने, उस दिन हमारी विश्व में क्या थी पावर थी, आज क्या है, एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे प्रधानमंत्री थी गुजरात के सीएम थे, अमेरिका ने वीजा तक देने को मना किया था, आज वो कह रहे हैं आओ आओ आओ, ट्रंप हाथ उठा के मोदी 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 पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाता है, आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी छवि होता, आप बताओ, कोई पूछता नहीं था, पीछे खड़ा रहता था तीसरी लाइन में हमारे देश का प्रधानमंत्री, सबसे पीछे,
और आज सबसे फ्रंट में प्रधानमंत्री भारत का खड़ा होता है, वो देश की आन बान शान है। और सबसे मेन बात वही है कि वो हर आदमी को एक साथ लेके चल रहे। अब तीन तलाक के लिए, उन मुस्लिम बहनों के लिए उसने कितना बढ़िया काम किया था, तलाक 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 बोला, उनको बेघर कर दिया। साहबानों केस में क्या हुआ था, राजीव जी ने क्या क्या था, ये पूरा देश के सामने है। इसमें तो किसी प्रकार की भी कोई वो ही नहीं है। और उस टाइम तो मीडिया नहीं था, अब तो हर इंसान की गोद में मीडिया है, एक मिनट में बनाते हैं। कांग्रेस टाइम में हमारे हर गांव में से कोई दिन बचता था जिस दिन ट्रैक्टर चोरी ना हो, भैंस चोरी ना हो। कांग्रेस टाइम में हमारी डीएसपी धनपति कौशली से होती थी, उनकी गाड़ी के सरियाम गोली मार के चले गए थे सिर्फ तीन भैंस चोर। और आज 300 आ जाओ ना, कोई यहां से एक किलो भी उठा के ले जाओ ना, क्यों? वो तो उनकी मिली भगत थी कांग्रेस से, वो एक जाति विशेष से थे, जाति धर्म से थे, उनकी हर जगह मांग होती थी। अरे अब हर किसी की मांग, हर किसी जो जायज कहेगा वो हर किसी की मानी जाएगी, ना जायज तो कोई भी कहेगा, वो कितना भी बड़ा चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे किसी का हो, उसकी नहीं मानी जाएगी। जायज बात कोई भी कहो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने यहाँ पे जो लोगों के विचार हैं वो सुने हैं और लोग बता भी रहे कि क्या कुछ यहाँ पे इलाके के अंदर हुआ है। क्या सच में आपको लगता है कि इस इलाके के साथ भेदभाव हुआ है? अगर हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं इन दोनों सरकारों के बीच में क्या फर्क रहा है, वो भी नीचे आप लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। राम जी, आप सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि व तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आई। 26 सालों का अनुभव, अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान, लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गाँव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLET, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल, सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।